नमस्ते, मैं अमृत सिंह और मैं गोवा में करीब अभी जन्म से ही इधर से ही हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी जो है बाहर के हैं यूपी से और मेरी माँ जो है गोवा की। तो कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल अगर डेंजर में रहेगा तो मैं उनका बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता हूँ। मेरे पड़ोस में एक सांप को मार दिया, तब मैं बहुत छोटा था और उस सांप को उन्होंने जाके हमारे इधर एक मशान भूमि है उधर फेंक दिया जाके। मैं उधर जाके बहुत घंटों तक उधर बैठ गया और सोचने लगा अगर मैं इसको पकड़ सकता था तो आज उसकी जान बच। आयोग की जांच में किस नतीजे पर पहुंचता है क्योंकि पीएम मोदी को चुनाव आयोग आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानता है या नहीं। धीरे धीरे लोगों में एक बात फैल गई उधर की कि सांप को बचाने वाला है, सांप को नहीं मारने का। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वॉलेंटियर भी था, हमको कार्ड दिया था वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर करके। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है और मेरी रुचि जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड स्नेक रेस्क्यू में जाता है। 1998 में मैंने एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड की स्थापना की और करीब आज 250 के ऊपर हमारे पास वॉलेंटियर हैं जो हर महीने में करीब 200 के आसपास एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल्स को हम लोग रेस्क्यू करते हैं। स्नेक रेस्क्यू करने का जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो हुक स्टिक एंड बैगर मैं अपने वर्कशॉप में डिज़ाइन एंड उसका फैब्रिकेशन करता हूँ। गोवा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही छोटा राज्य है और वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है, लेकिन माइनिंग और कैजू प्लांटेशन की वजह से दिन ब दिन ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। आज के सीज़न में क्या है, आपको हर दिन आपको आवाज़ आएगा पहाड़ों के ऊपर, जंगल में बम लगाएंगे, कुछ ये लगाएंगे, वो जानवर बेचारा चिल्ला रहा है, किसी ने सुन लिया तो हमको फ़ोन करेगा, हम जाके उसको कभी कभी बचा पाते, कभी कभी इतना उसका हालत होती है कि वो बेचारा मर जाता है। तो ये पॉलिसी एक्चुअली जो आदिवासी लोग होते हैं वो डरते जंगल की देवता से डरते, अभी जंगल में कौन देवता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो लोग डरते हैं और डर की वजह से वो उतना ही लेते हैं जितना चाहिए, वो मांग के लेते, हम छीन के ले रहे। छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ये बड़ा बड़ा जानवर, पेड़ पौधे सबको जीने का अधिकार है, लेकिन अगर ये पत्थर की जगह पर आप लोगों ने कंक्रीट का यूज़ किया, सीमेंट का यूज़ किया, तो उसमें जो रहने वाले जो भी जीव कीटक है, वाइल्ड लाइफ है, वो नष्ट हो जाएगा। सो इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, अगर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये धरती की जान है, अगर हम धरती की जान ही निकाल रहे धीरे 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 क्योंकि हम तो कैसे बचेंगे। ऐसा तो धमकी वमकी सब होता है, लेकिन मैं कभी स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाला जो भी जब भी जान चला जाएगा तो जाने दो, कभी तो जानी है, ऐसा ही मेरा पिताजी बोलता था, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि कभी भी जान तो चली जानी है लेकिन कुछ तो काम करके जाएं।